हमारे कार्यकर्ताओं में जोश हविज का जोश तो हाई करके आवाज आ रही है। इसके लिए उसका कोई मतलब ये तो हम चुनाव जीतने ही जा रहे हैं। आप मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि सोमदेव दादा का चुनाव नहीं, चुनाव आपका पूरा है। कुछ कैसा लग रहा है जोश, कैसा लग रहा है उन्होंने कहा आओ दी जोश। जोश तो बिल्कुल, आप हर गांव में जाइए, बहुत अच्छा रिस्पांस है क्योंकि ये जनता की लड़ाई है और इसमें जनता खुद होके पूरे जोश के साथ उतरी है। बिल्कुल, सोमदत्त बहु करंजेकर के नाम से बन रहा है और 25 वर्ष से हमारे यहाँ पे बेरोजगारी है, कारखाने नहीं खुल रहे, शिक्षण समस्या है जो कि एजुकेशन है वो मताने निवडून येतील, कारण की 25 वर्षांमध्ये काहीच झालेलं नाही आहे विकास आणि बोलतापाचा प्रशिक्षण करण्याचा प्रयत्न नानाभाऊ पटोले करत आहेत आणि जातीपातीमध्ये आम्हाला विरखण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात बेर कारखाना असो किंवा काही असो ते पदावर असताना सुद्धा काहीच विकास केलेले नाही आहेत आणि लोकांना सुद्धा मंदिर बांधणे हा बांधणे तो करणे फक्त तो जातीपातीचे राजकारण करत आहे आणि जे बेरोजगारीची समस्या आहे ती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे। नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। साकोली विधानसभा का मुकाबला अब और दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ अभी त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा था लेकिन अब ये मामला केवल नाना पटोले वर्सेस सोमदत्त करंजेकर बन गया है। गांव-गांव में सोमदत्त करंजेकर का नाम प्रसिद्धि पा रहा है, यही नहीं वे नाना पटोले को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। लोगों का तो यहां तक कहना है कि सोमदत्त करंजेकर की टक्कर में नाना पटोले टिक नहीं पा रहे। यहां तक कि पटोले की टीम जब गांव में प्रचार करने जा रही है उसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं, वहीं सोमदत्त करंजेकर के चुनावी अभियान में ग्रामीण उनके साथ पैदल चल रहे हैं, अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बाल आभास काशीबाग जी हैं जो पूर्व आमदार रह चुके हैं, तो उनसे थोड़ा सा पता करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चुनाव प्रचार। आपका स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। बहुत कैसा चल रहा है आपका आपका चुनाव प्रचार, काफी मेहनत कर रहे हैं आप? हमारे कार्यकर्ताओं में जोश हविज का जोश तो हाई करके आवाज आ रही है। इसके लिए उसका कोई मतलब ये तो हम चुनाव जीतने ही जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। बिल्कुल नहीं, नहीं। आप 23-23 को दोपहर के बाद में रिजल्ट देख लेना, हमारे सोमदत्त दादा चुन के आने वाले। चलिए, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि सोमदत्त दादा का चुनाव नहीं, चुनाव आपका पूरा है? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं आता, चुनाव हमारा ही है क्योंकि हमारी ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, असली भारतीय जनता पार्टी हम है। पिछले 30 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और कल भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व जो है देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर जी भावन, इन्होंने रातों रात अपनी भारतीय जनता पार्टी भंडारा जिले की गोंदिया के सेठ को बांध दिए, उन्हें उनके जैसे उनको बेच दिया ऐसा हो गया और रात भरे में उम्मीदवार बदल के राष्ट्रवादी का नेता यहाँ पे दिए। इसके कारण पूरे कार्यकर्ता पूरी जनता नाराज है और उसके वजह से हमारा जोश बहुत हाई है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। जी आप बताएं कुछ कैसा लग रहा है जोश, कैसा लग रहा है उन्होंने तो कहा आओ दी जोश। जोश तो बिल्कुल, आप हर गांव में जाइए, बहुत अच्छा रिस्पांस है क्योंकि ये जनता की लड़ाई है और इसमें जनता खुद होके पूरे जोश के साथ उतरी है। बिल्कुल, आपके साथ पैदल पैदल चल रहे लोग उत्साह के साथ चल रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा? नहीं, ये तो जनता का इलेक्शन है, सारे कैंडिडेट्स है तो बस अपने चुनाव में सारे प्रयास कर रहे हैं और बहुत बड़ा विक्रमी ऐसे जीत यहाँ होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि 23 तारीख को गांव-गांव में कढ़ाई चलने वाली है। 100% भंडारे की कढ़ाई, महाराष्ट्र की कढ़ाई, महाराष्ट्र की कढ़ाई। चले जी जी, क्या विकास की कढ़ाई? 20 तारीख को चलेंगी कढ़ाई, 20 तारीख को 23 को तो रिजल्ट मिलेगा ना। अच्छा, चुनाव तो 20 तारीख को, तो इसलिए 20 तारीख को हमारी कढ़ाई 100% चलेंगी। कढ़ाई चलेगी घर घर में, कढ़ाई घर घर में चलेंगी, गांव गांव में चलेंगी, 3 तालुके में कढ़ाई चलेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या कहते हैं? एक राक्षस होता, दूसरा दानव होता, ऐसा भाजप कांग्रेस गेला आणि आता सोमदत्त भाऊ करंजेकर आला। क्या बात है, क्या बात है, देखिए उत्साह है बिल्कुल। और भी जी जी, आप बोले बोले बोले, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। हम लाखांदूर के। अच्छा, लाखांदूर के, बहुत बढ़िया। इस बार परिवर्तन कड़े आने वाली है, सबको पछाड़ कर कड़े कड़े आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने सब छोड़ दिया, नए पुराने छोड़ दिया और नए नए लाए, नए नए लाए, नए नए लाए। गुस्सा आप? पूरा गुस्सा है बीजेपी अपना। अच्छा, ये गुस्सा जो लोग हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इस वक्त मैं पसीने पसीने हूँ और यहाँ पर जो बालोगा काशीवार है, इसके अलावा सोमदत्त करंजेकर जी, सोमदत्त दादा आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरी तरह से भीड़ है, लोग साथ चल रहे हैं उनके। खैर, अभी यात्रा में, उनकी यात्रा में शामिल है इस वक्त और देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर किस तरीके का माहौल यहाँ पर बन रहा है। तो मैं मनीष कुमार अंकुर दिघोरी से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।
इस वक्त मैं दिगोरी के हनुमान मंदिर में आया हूँ जो साकोली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर सोमदत्त करंजीकर जी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में पूरे एरिया में घूम रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ है मंदिर में क्योंकि वो दर्शन करने आए हो। यहाँ पर भीड़ जो गांव वाले हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो पूछते हैं कि यहाँ पर माहौल कैसा है। जी नाम बताएं अपना। कुणाल हटवार। यहाँ क्या माहौल है, किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? माहौल सोमदत्त भाऊ करंजीकर के नाम से बन रहा है। अपक्ष है वो तब भी? हाँ, तब भी अपक्ष होके भी उनके नाम का माहौल बन रहा है। अच्छा, 25 वर्ष से हमारे यहाँ पे बेरोजगारी है। हाँ। कारखाने नहीं खुल रहे। हाँ। शिक्षण समस्या है, जो कि एजुकेशन है वो कुछ भी नहीं है साकोली विधानसभा में। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। नाना पटोले कैसे जीत रहे बार? वो उनकी पता नहीं सर, लेकिन ये सब एजुकेशन है या फिर बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। हाँ। वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ सर, तो हमारी ये हमारे जो युवा नेता है, तड़पदार नेता है डॉक्टर सोमदत्त जी भाऊ करंजीकर, ये तोड़का निकालने के लिए, ये जो समस्या है उनका तोड़का निकालने के लिए अपक्ष खड़े है कड़ाई चिन्ह पे, तो भी हमारा फुल सपोर्ट। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ युवा से पूछना बहुत जरूरी होता है। युवाओं का कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, इसी वजह से वो सोमदत्त दादा करंजीकर जी को वोट देना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? माझे नाव कमलेश गायदेन है। आणि आपल्या साकोल विधानसभामध्ये युवा नेते म्हणजे आपले अपक्ष उमेदवार सोमदत्त भाऊ करंजीकर हे बहुमताने निवडून येतील, कारण की या 25 वर्षामध्ये काहीच झालेलं नाही आहे विकास। आणि बोलतापाचा प्रशिक्षण करण्याचा प्रयत्न नानाभाऊ पटोले करत आहेत आणि जातीपातीमध्ये आम्हाला विरखण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात बेल कारखाना असो किंवा काही असो ते पदावर असताना सुद्धा काहीच विकास केलेले नाही आहेत आणि लोकांना सुद्धा मंदिर बांधणे हा बांधणे तो करणे फक्त तो जातीपातीचे राजकारण करत आहेत आणि जे बेरोजगारीची समस्या आहे ते मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत आणि आम्हाला आयटीआय वगैरे जे काही शिक्षण झाले आहेत नागपूर पुणे मुंबईसाठी जा लागत आहेत आणि त्याच्यावर एकच मार्ग म्हणजे आता एकच शिक्षण पाणी झालेलं आणि उच्च शिक्षित युवा नेतृत्व म्हणजे सोमदत्त भाऊ करंजीकर हे बहुमताने निवडून येतील आणि अपक्ष जरी असले तरी बहुमताने निवडून येतील इतकी आम्ही अपेक्षा करतो। चले, धन्यवाद धन्यवाद।